बहनों पर अत्याचार का जो एक साथ कई घटनाओं का तांता लगा है, उससे अगर कोई बचा सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। हमारे बच्चों को रोजगारी चाहिए या जुए की लत लगानी अपने निजी स्वार्थ के लिए बच्चों को गुमराह करने वाली ये सरकार क्यों डरे हो भाई? हमारे कोई नेता महादेव एक्शन नहीं करे, हम तो कहते हैं इसकी जांच होनी चाहिए। महिला मजदूरों को मातृत्व अवकाश देने वाली कोई सरकार थी तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पंचायत चुनाव में 50% रिजर्वेशन देने वाली अगर कोई सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नगरीय निकायों में आरक्षण देने वाली सबसे पहले कोई सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने शुरुआत की। और मैं आज भूपेश बघेल जी को पूछ कर आया, पूछने आया, बघेल जी अगर हिम्मत है तो आज दोपहर को कार्यक्रम है आपका, युवाओं के सामने कार्यक्रम है, सार्वजनिक मंच पर मेरी बात का जवाब दीजिए। 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, क्या मिला 10 साल में छत्तीसगढ़ को? मैं पूछने आया हूं भूपेश बघेल को, एक बार आपकी 10 साल की सरकार और हमारी 10 साल की सरकार का हिसाब किताब रख दीजिए छत्तीसगढ़ की जनता के सामने। चाहे हमारी माता और बहनें हो, चाहे युवा साथी हो, चाहे शिक्षित बेरोजगार हो, लाखों लोगों के मुंह से एक ही आवाज, एक ही शब्द गूंज रहा है, बदलवो बदलवो ये गाड़ी, ये भ्रष्ट सरकार ना बदलवो, भूपेश सरकार ना बदलवो। उसके सामने हम लोग संकल्प ले कि इस द्वार में कांग्रेस का नक्शा और इतिहास हम बदल देंगे आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में। इस भाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ये आरोप पत्र वास्तव में आरोप पत्र नो है। 4.5 साल के ये भूपेश बघेल के सरकार के लेखा जोखा और सच्चाई ला हम जनता के बीच में लेके जाते हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अमित शाह के करकमलों से आरोप पत्र जारी हुआ है। प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे, केंद्रीय नेतृत्व के नेता मौजूद रहे और कांग्रेस सरकार पर एक बड़ा निशाना साधा। आरोप पत्र में क्या कुछ खास रहा आज इस कार्यक्रम में, क्योंकि हमारे साथ सांसद जी मौजूद हैं, संतोष पांडे जी हैं, कबीरधाम क्षेत्र में काफ़ी इनका वर्चस्व है, क्या हम सब के लिए छत्तीसगढ़ के लिए आज ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आरोप पत्र को लॉन्च करने के लिए इस देश के हिंदुस्तान के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आज यहाँ उपस्थित रहे और जो आरोप उन्होंने लगाया है ये वास्तव में ये छत्तीसगढ़ की सरगुजा से लेकर के बस्तर तक जो आवाज़ आ रही है अत्याचार की, जो भ्रष्टाचार की, चाहे कोल में हो, चाहे रेत में हो, चाहे लकड़ी में हो, अब ये बर्दाश्त से बाहर है। ये जो समय, कम समय बचा है, जनता भी उल्टी गिनती चालू कर दी है कि कब चुनाव आए और कब हम सरकार को उखाड़ फेंके। आज ये संकल्प लेकर के लोग जा रहे हैं, आने वाले समय में भाजपा जीतेगी। कबीरधाम में जो चुनावी रणनीति है वो काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिलता है, कुछ घटनाएं हुई, दंगे हुए, तो क्या लगता है वहाँ पर सरकार बनाने में किस तरह की रणनीति रहेगी वहाँ पर? चाहे बिरनपुर की घटना हो, साहू जी की जो हत्या हुई है और जो वहाँ कवर्धा के अंदर जो ध्वज प्रकरण हुआ है, कवर्धा की जनता अभी भूली नहीं है, अब तो चुनाव में वो पता चलेगा। और आने वाले समय में जो वहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के मंत्री हैं, वापस उनको रायपुर आना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ सांसद संतोष पांडे जी। तो इस तरह से एक आरोप पत्र लगा है यहाँ पर कांग्रेस सरकार के ऊपर, एक सीधा सीधा निशाना साधा है केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने और काफ़ी संख्या में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कई केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश प्रभारी यहाँ पर मौजूद रहे, पूर्व मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे। तो एक बड़ा आरोप पत्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी ने आरोप लगाया है।
देखिए आरोप पत्र की बात है, आज भाजपा ने ये आरोप पत्र जारी किया है। एक किताब है पूरी जिसमें पाँच साल पौने पाँच साल में जो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार है उसके बारे में, उनके कार्यों के बारे में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, ये तमाम तरह के आरोप लगे हैं। आज केंद्रीय मंत्री ने बड़ा बड़ा आरोप लगाया है, क्या लगता है चुनाव में किस तरह से प्रभाव पड़ेगा इसका? जिस छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस समय निर्माण के समय की थी, छोटा राज्य हो, समृद्धशाली राज्य हो, खुशहाल राज्य हो, 15 साल में छत्तीसगढ़ प्रगति के स्थान पे आगे बढ़ा, गांव गरीब किसान मजदूरों की समस्या का समाधान हुआ। 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने एक ही काम किया, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के नए नए आयाम कैसे खड़े कैसे गढ़े जाएँ उस पर उन्होंने काम किया। चाहे प्रदेश के अंदर खनिज घोटाला हो, सीमेंट घोटाला हो, अनाज घोटाला हो, गोठान घोटाला हो, बेरोजगार ठका गया, दारू बंद नहीं हुई, मितानिन की समस्या हल नहीं हुई, आंगनबाड़ी की समस्या हल नहीं हुई, किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, जब इतनी सारी समस्याओं पर जो जन घोषणा पत्र लेके जनता के बीच में गए थे वो वादे पूर्ण कर नहीं पाए। शहर के गरीब परिवार से कहा है कि मैं आपको पट्टा दूंगा, आज पौने 5 सालों का पट्टा नहीं दे पाए, मोर आवास मोर अधिकार, उनको जमीन का पट्टा नहीं मिला, उनका मकान नहीं बना। गरीब परिवार को खाने के लिए चावल दिया केंद्र सरकार ने, उसमें बंदर बांट करके चल दिए। तो आखिर में सरकार ने किया क्या? दारू घर पहुँचाने का काम चालू कर दिया, दारू की दुकानें बढ़ गई, महिलाओं के वोट लेने के लिए आश्वासन देकर के आए थे कि हम दारूबंदी करेंगे, पौने साल में हो गए मंत्री के तहत दारूबंदी नहीं होगी। तो किस कल्पना की ये सरकार? और रायपुर शहर राजधानी के 4 विधानसभाओं में 3 विधानसभा कांग्रेस पार्टी को दी साहब जनता ने जीत करके, इस रायपुर के साथ छलावा महसूस कर रहे हैं, क्या काम? शराब शराबबंदी की जो बात है, बार बार आप लोग कहते हैं कि उन्होंने गंगा जल के वो हाथ में लेकर कसम खाया था। बीजेपी की सरकार यदि आती है तो क्या जनता उम्मीद रखे कि शराबबंदी होगी या फिर इसका कोई और उपाय है? हमारा मैनिफेस्टो आएगा, हम उस पर निर्णय करेंगे। हमने नहीं कहा, कभी कांग्रेस पार्टी ने कहा ना, तो कांग्रेस पार्टी कर्तव्य क्या बनता है? क्यों झूठे वादे करते? हम यही तो कह रहे हैं जनता को कि इनका जन घोषणा पत्र झूठा था। इन्होंने कहा था आपका संपत्ति कर हाफ कर देंगे, किसका किया? शहर का बड़े बड़े सपने दिखाए थे राजधानी के अंदर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक काम, सिंगल काम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रायपुर की राजधानी के लिए किया हो 20 करोड़ रुपए का, जिसने खुद ने भूमि पूजन किया, जिसका लोकार्पण किया हो। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, चुनौती देता हूँ, जिस मंच पर जो चाहे चर्चा कर ले, सिंगल काम इस रायपुर के साथ नहीं किया, सिर्फ रायपुर के साथ खोदापुर बना दिया, चाकूपुर बना दिया, दारू और स्मिगलिंग का अड्डा बना दिया, लाइन आर्डर पूरा ध्वस्त हो गया, प्रदेश के चारों तरफ खोमचे की दुकानें स्थापित कर दी, राजधानी को राजधानी के रूप में ना रख करके एक अव्यवस्थित शहर को उन्होंने डाइवर्ट करके दिखा दिया। ऐसी कल्पना, सिर्फ नाम बदलने का काम किया मुख्यमंत्री ने 5 साल, फोटो चिपकाने का काम किया, माने अमित शाह जी वो बीजेपी कार्यालय से यहाँ तक आए तो 52 होर्डिंग गिना दी उन्होंने खाली एक ही रोड पर, तो फोटो तो योगी जी का भी चमका था बहुत सारा और जनता ने रिप्लाई दे दिया था। पश्चिम विधानसभा को लेकर आगामी चुनाव में सीटों को लेकर कई सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं, सबका हर कार्यकर्ता का अधिकार है, क्यों नहीं मांगेगा कार्यकर्ता टिकट, उसको अन्यथा क्या लेना? भारतीय जनता पार्टी कमल फूल छाप, यह भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, हम उसके लिए चुनाव लड़ेंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम सब मिलकर के एक ही हमारा चुनाव चिन्ह कमल छाप। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत, और जिन्होंने कांग्रेस सरकार पर कई तरह के निशाने साधे हैं। वहीं अगर बात करें कि पश्चिम विधानसभा की, तो इसमें भी उन्होंने कहा है कि दावेदारी करने का हक सभी को है, और दावेदारी करने के साथ साथ वो जो कार्यकर्ता हैं तो उनका अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि हमें कमल छाप लाना है, हमें दावेदारी कौन कर रहा है या उसको अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं शराबबंदी की बात पर भी उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो में जल्द ही घोषणा आएगा, मैनिफेस्टो सामने आएगा तो उसके आधार पर जो पार्टी फैसला लेती है कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या कुछ अच्छा है, क्या बेहतर है, क्या नहीं है, वो मैनिफेस्टो में नज़र आएगा। वहीं इसी के साथ आज ये आरोप पत्र जो है लॉन्च हो चुका है, आगामी समय में विधानसभा चुनाव है,
और चुनाव को देखते हुए इस आरोप पत्र का किस तरह से प्रभाव पड़ता है ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ऐसे ही तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात। कैमरामैन नवेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी।